कांग्रेस जन कल्याण फाउंडेशन के तत्वावधान में दीवा ऑफ छत्तीसगढ़ 2022 का दो दिवसीय आयोजन किया गया। फाइनल मुकाबले में भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव, महापौर नीरज पाल व भिलाई जिला कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर प्रमुख रूप से शामिल हुए। वही सेलिब्रिटी अतिथि के रूप में बॉलीवुड की अदाकारा एलिना शामिल हुई। छत्तीसगढ़ में छिपी प्रतिभाओं को अब मंच मिलने लगा है। जी हां, फैशन व ग्लैमर की परिपूर्ण यहां राज्य की महिलाएं व साथ ही पुरुष वर्ग मैदान में उतर भी चुके हैं और इन्हें मंच देने ऐसे जन कल्याण फाउंडेशन ने पहल भी कर दी है। इसी के तहत दो दिवसीय 12 व 13 मार्च को दीवा ऑफ छत्तीसगढ़ का भव्य आयोजन निजी होटल में किया गया। पहले दिन तो राज्य भर से आए मॉडल्स को यहां पर प्रोफेशनल मॉडल और एक्टर सार्थक चौधरी ने सभी को ग्रूमिंग राउंड के तहत प्रिपेयर किया। वहीं आयोजन के दूसरे दिन फाइनल मुकाबले की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। फाइनल मुकाबले में भिलाई शहर विधायक देवेंद्र यादव, मेयर नीरज पाल, जिला अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर शामिल हुए। वहीं सेलिब्रिटीज गेस्ट के रूप में बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस एलिना टुटेजा शामिल हुई। भव्यता से अतिथियों के सम्मान के बाद वक्त आया मॉडल्स द्वारा दी गई सभी राउंडों की प्रस्तुति का। रैंप में चलती मिस व मिसेस प्रतिभागियों ने जहां समा बांधा,
वहीं पुरुष वर्ग जो मॉडल्स के रूप में रैंप पर चल रहे थे उन्होंने अपनी प्रतिभा का बेहतर प्रदर्शन किया। आपकी खूबसूरती के आगे सब कुछ सादा लग रहा है, यू अंडरस्टैंड ना? ओके, आपकी खूबसूरती के आगे सब कुछ सादा लग रहा है, चांद ऊपर में पूरा है फिर भी आधा लग रहा है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारी मैम की खूबसूरती।
शामिल अतिथि के रूप में भिलाई शहर विधायक देवेन यादव ने आयोजन की सराहना दिल से की, तो वहीं इस सफल आयोजन के लिए मेयर नीरज पाल ने आयोजकों को बधाइयां दी। कांग्रेचुलेट द होल टीम, शेखर साहू जी, रंजू जी, सभी साथियों को, पूरी टीम को खूब सारी शुभकामनाएं दूंगा, बधाई दूंगा। इतना बढ़िया इवेंट, पूरे छत्तीसगढ़ के बच्चे इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये हमारे लिए खुशी की बात है कि हम सब इस इवेंट का पार्ट हो रहे हैं। और निश्चित रूप से इस जो फैशन फील्ड है, इसमें भी बच्चों का लगातार इंटरेस्ट ग्रोथ हो रहा है छत्तीसगढ़ में, अच्छे टैलेंट निकल रहे हैं हमारे पूरे छत्तीसगढ़ से, तो हमें उनको प्रमोट करना है। दैट्स इट, ये हमारा मेन मिशन है और ये प्रमोशन का काम आप सब लोग कर रहे हैं, तो मैं आपको शुभकामनाएं दूंगा। मेरे साथ हमारे भिलाई शहर के सम्मानित मेयर साहब नीरज पाल जी भी आए हुए, मुकेश चंद्राकर जी भी आए, उनका भी स्वागत करता हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंटली मैं चाहूंगा सभी लोग तालियों से रेना मैडम का स्वागत करें। ये SS फाउंडेशन की तरफ से जो ये जो मंच दिया गया है मिस्टर दीवा, ये दीवा ऑफ छत्तीसगढ़, ये एक बहुत ही अच्छी एक पहल है जो छत्तीसगढ़ के युवाओं को राष्ट्रीय स्तर पे अपना प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। ऐसी ही जो कोशिशें होती है, एक दिन हमको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारे लोग दिखते हैं, वो देख के उनको खुशी होती है। निश्चित रूप से ये
जो प्रयास है बहुत सराहनीय प्रयास है और इसके जितनी तारीफ की जाए कम है। विशेषकर दीवा की पूरी टीम को और खास तौर पे मैं शिखा साहू जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उनके ऐसे प्रयास लगातार जारी रहते हैं और इससे राष्ट्रीय स्तर पे प्रतिभाओं को, छत्तीसगढ़ की प्रतिभाओं को अवसर मिलता है। राज्य के विभिन्न जिलों से आए प्रतिभागियों ने प्रदर्शन के साथ अनोखा समा बांधा। वहीं प्रथम द्वितीय विजेता को क्राउन पहनाकर पुरस्कृत भी किया गया। विजेता प्रतिभागियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। पहले तो मेरा नाम सोनम श्रीवास्तव है, मैं प्रिंसिपल के रूप में कार्यरत हूँ ड्रीम इंडिया स्कूल अभनपुर में। और ये जर्नी बहुत ही खूबसूरत रही, शिखा मैम का बहुत सपोर्ट रहा, एसएस फाउंडेशन को भी थैंक यू तहे दिल से। और बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत सफ़र रहा और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत गौरवान्वित लग रहा है कि अपने आप में प्राउड लग रहा है कि मैं चाहती हूँ कि बहुत महिलाओं के लिए इंस्पिरेशन बनूँ, स्पेशली फॉर छत्तीसगढ़। मुझसे जो भी हो पाएगा मैं ज़रूर करूँगी। जो फाउंडेशन का प्रयास है, मंच दे रहा है लोगों को, वो कैसा है? बहुत ही बेहतरीन है और इससे लोगों को अवेयरनेस भी आ रही है, अपने आप पे काम कर रहे हैं लोग, अपने आप पे फोकस कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे देख के, क्योंकि काफ़ी मिस लड़कियां भी आई हैं और महिलाएं भी आई हैं जो हाउसवाइफ्स भी हैं, वर्किंग भी हैं। तो अपने घर गृहस्थी से निकल के आना एक औरत के लिए अपने आप में एक चैलेंज होता है और यहाँ के वो लग रहा है कि लोगों ने बहुत अच्छा चैलेंज एक्सेप्ट किया है। मुझे बहुत ही खुशी हो रही है इस चीज़ की, बहुत अच्छा अनुभव रहा है, बहुत अच्छा लगता है। विनर बनने की वैसे तो खुशी बहुत होती है और वो खुशी आपको चेहरे पे दिख भी रही होगी, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ विनर बनने पे। जैसे मिसेज छत्तीसगढ़ दीवा तुमने जीता है जी। और जो ऐसी हाउसवाइफ महिलाएं हैं जो अपनी प्रतिभा, अपने सभी सपनों को घर में छुपा कर रखती है, उन महिलाओं को क्या बोलेंगी? मैं उन महिलाओं को कहना चाहूँगी कि आप घर गृहस्थी संभालना तो एक हमारी जिम्मेदारी है ही, महिलाओं की, बच्चे संभालना, पति संभालना, और प्लस जो जॉब करती हैं वो जॉब करती भी हैं और घर भी संभालती हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि आप अपने शौक और सपने को ना मारें, बस थोड़े समय अपने लिए ज़रूर निकालें शौक और सपने के लिए, क्योंकि औरत जब तक जिंदा रहती है तब तक उसके अंदर में, मन में एक सपने रहते हैं और वो सपना अपने बच्चे में वो देखने लगती है। लेकिन खुद के आपके भी सपने हैं जिससे आपके बच्चे उससे एक्सपीरियंस ले सकते हैं, उससे सीख सकते हैं कि आप अपने सपने को कैसे पूरा करें, तो उनसे बच्चों को एक सीख मिलती है। तो आप बच्चों के लिए तो सोचे ही, प्लस अपने लिए जरूर सोचे और अपने लिए थोड़ा समय जरूर निकालिए अपने सपनों के लिए, अपने शौक के लिए, अपने जिंदा दिल के लिए। मेरा नाम प्राची सोनिया, मैं धमतरी छत्तीसगढ़ से हूँ। मैम बहुत अच्छा लग रहा है और मैंने तो सोचा भी नहीं था, बहुत प्राउड फील हो रहा है और मेरी मम्मी भी खुश होगी जिन्होंने इतना सपोर्ट किया मुझे। जैसे कि तुम एक रेसलर हो जी, अभी अपना इंट्रोडक्शन है बताया जी, स्पोर्ट्स और गेम्स रिलेटेड हो, इस लाइन में ग्लैमर की लाइन में आने का कैसा मन बनाया और कैसा लगा यहाँ पर अनुभव? मैम मुझे मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो मुझे काफ़ी टाइम से, मतलब जो पहले से जानते हैं, बचपन से जानते हैं, वो लोग मुझे काफ़ी फोर्स करते थे कि तुम एक बार जाओ मॉडलिंग पे, एक बार जाओ फैशन शो में जाओ। तो मैंने सोचा कि सारे लोग जो मुझ पर तब प्राउड फील करते हैं तो क्यों ना मैं कहीं ट्राई करूँ, तो आई और मुझे ये मिला, बहुत अच्छा लगा। वहीं बॉलीवुड एक्ट्रेस एलिना टुटेजा ने व मॉडल सार्थक चौधरी ने आयोजन को बेहतर बताया। वहीं शिखा साहू जो कि आयोजन करता रही, उन्होंने भी अपना उद्देश्य बताया। सबसे पहले तो सबको नमस्ते, मैं बॉलीवुड से हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे तरीके से सब ऑर्गेनाइज किया है, सब कंटेस्टेंट्स ऑलरेडी विनर्स है, क्योंकि यहाँ पे स्टेज पे परफॉर्म करना है बहुत बड़ी बात होती है, अपने अंदर बहुत कॉन्फिडेंस लाना चाहिए यहाँ पे कदम रखने के लिए। इसलिए मैं सबको कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ, जो भी विनर्स है, जो भी टाइटल्स विनर्स है, और शिखा साहू मैम को मैं कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ क्योंकि ये जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, लोगों को अपना टैलेंट, अपना अपने आप को दिखाने का मौका मिल रहा है उनके थ्रू। आप हॉलीवुड से हैं, अभी आपने स्टेज से बताया कि कोरबा में एक शूटिंग पे थी आप और छत्तीसगढ़ में दौरा रहा आपका, तो छत्तीसगढ़ की क्या खास बात आपको अच्छी लगी? सबसे ज़्यादा तो मुझे खूबसूरती लगी छत्तीसगढ़ की, इतनी ब्यूटीफुल जगह है और जो मैंने देखा, स्पेशली जो हसदेव डैम मैंने देखा, एकदम अनटचेबल नेचर, जो मैं मुंबई में सेटल हूँ तो मुंबई में ये नेचर देखने को नहीं मिलता, और लोग बहुत अच्छे हैं, वेरी नाइस पीपल, बहुत सपोर्टिव है और फ्रेंडली नेचर के है। देखा जाए तो हॉलीवुड और बॉलीवुड दोनों प्रतिभाओं से और भरा हुआ है, क्या लगता है छत्तीसगढ़ की प्रतिभा को वहाँ जगह मिलेगी? उनको वहाँ पे जगह क्यों चाहिए जब मैं वहाँ से यहाँ पे आगे काम कर रही हूँ? मुझे लगता है जो इंडियन कल्चर है वो यूनिक है, तो उनको
वहाँ पे ज़्यादा नहीं चाहिए, अपना यहाँ पे आर्ट बढ़ाना चाहिए। और मैं ज़रूर, अगर अभी तो जो मैंने किया ये बॉलीवुड मूवी थी, बट अगर मुझे छत्तीसगढ़ी मूवी में मौका मिलेगा मैं वो भी करने को तैयार हूँ। छत्तीसगढ़ी मूवी करेंगे जी, ज़रूर। बहुत अच्छा लगा, और मुझे बेसिकली यहाँ पे बच्चों की ग्रूमिंग के लिए बुलाया गया था, और अच्छा लगा मुझे, यहाँ बच्चों में टैलेंट है, बस उसको निखारने की ज़रूरत है। सो मेरे से जितना हुआ दो दिन में मैंने वो अपना पूरा 100% दिया। छत्तीसगढ़ में आपको क्या अच्छा लगा? छत्तीसगढ़ में मुझे यहाँ का जो आज की थीम थी, इनकी खास करके ड्रेसेस, ये इनका कल्चर मुझे बहुत अच्छा लगा। ग्रैंड एशियन के माध्यम से दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे? बस यही बोलना चाहूँगा कि टाइटल से कोई विनर नहीं होता, आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए और आप टैलेंट से ही आगे बढ़ेंगे। ये जो हमारा ऑडिशन के बाद हम लोगों ने जो दो दिन का फिनाले रखा है, फर्स्ट डे पूरे पार्टिसिपेट एकदम नर्वस थे, फिर हम सब ने दोस्ती की और बहुत अच्छे से उन लोगों ने हर राउंड किए, और राउंड करके उन लोगों ने टैलेंट राउंड, इंट्रोडक्शन राउंड, अपना इंटरव्यू राउंड, सारे राउंड निकाले। आज हमारा फिनाले था जिसमें उन्होंने बखूबी अपने तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट किया और एक छत्तीसगढ़ी कल्चरल को भी पेश किया, उसके उसको झलकाया सभी के सामने। मुझे बहुत प्राउड फील होता है, तो मैं आज बहुत खुश हूँ और अच्छा लगा मुझे ये। आज मुख्य अतिथि कौन थी? आज हमारे चीफ गेस्ट में देवेंद्र यादव जी थे जो आए थे, और मुझे अच्छा लगा वो आए। आगे ये तो प्रदेश स्तरीय है, आपका प्रयास क्या राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी प्रतियोगिता कराने का रहेगा? बिल्कुल, हमारे छत्तीसगढ़ को हम लोग नेशनल लेवल तक और इंटरनेशनल लेवल तक जाने के लिए हम बखूबी प्रयास करेंगे। हमारा एशियस फाउंडेशन के सभी मेंबर यही प्रयास करते कि बहुत अच्छा शो हो और बहुत अच्छा ग्रैंड हो। एसएस जन कल्याण फाउंडेशन का ये द्वितीय वर्ष था जिसमें शामिल सभी मॉडल्स कहीं न कहीं किसी न किसी क्षेत्र में अपनी पहचान बना ही लेंगे। बहरहाल इस तरह के आयोजन छिपी प्रतिभाओं को न सिर्फ निखारते हैं बल्कि उन्हें मंच भी प्रदान करते हैं। निश्चित ही एसएस जन कल्याण फाउंडेशन आने वाले दिनों में राष्ट्रीय स्तर पर छिपी प्रतिभाओं को निखारने का प्रयास करेगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट।